फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी सी हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। यदि आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस में जाने के लिए और यदि आप लोग जाना चाहते हैं, जी हाँ आप लोगों ने भी हाई स्कूल इंटर कर रखी है और आप लोग भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ए टू जेड क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पीटी पीएचडी रिटर्न, एवरीथिंग आज आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि आप लोग भी आने वाले सीआरपीएफ के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जी हाँ आप लोग भी भाग लेना चाहते हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये आप लोग की जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और आप लोग की जो ये वैकेंसी है ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी थी, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया ही आप लोग की इसमें पोस्टिंग रहने वाली है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहती है ये आप लोग की। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल के अंतर्गत जो आप लोग की पोस्ट होती है इसके अंतर्गत आप लोग की बारबर, कोबलर, माली, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, टेलर, गार्डनर, माली, वाशरमैन, स्वीपर, ड्राइवर और इसी प्रकार से कुछ और वैकेंसियां होती है जो आप लोग की सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और टेक्निकल के अंतर्गत भरी जाती है। जी हाँ, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें फीस में आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग हैं जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट तो आप लोग को मात्र 100 रुपए यहाँ पे देने होते हैं, और यदि आप लोग हैं फीमेल कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी होती है। और इसके अलावा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है आप लोग की एज। जी हाँ, एज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फॉर्म को भरने में, तो एज जो आप लोग की काउंट होती है जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा उस डेट को ही आप लोग की जो है एज काउंट होगी, या फिर जैसा डिपार्टमेंट आप लोग को इंस्ट्रक्शन देगा नोटिफिकेशन में उस डेट को आप लोग की एज काउंट होगी। तो एज यदि आप लोग ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैंडिडेट की जो एज यहाँ पे रहने वाली है 21 से 27 साल। जी हाँ, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे जो है 21 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का इनको बेनिफिट मिलता है। इसी प्रकार से एससी एसटी जो है यहाँ पे आप लोग 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद जो नेक्स्ट जो और पोस्टें हैं उनमें जो आप लोग की एज रहती है वो 18 से 23 साल यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं, और इसी प्रकार से यदि आप लोग ओबीसी में आते हैं तो आप लोग 18 से 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप लोग एससी एसटी में आते हैं तो आप लोग 18 से 28 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग को एज के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बारी है वो आप लोग को क्वालिफिकेशन जो इसमें है, ओनली और ओनली यदि आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई आप लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती हैं, जैसे यदि आप लोग ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के पास 10th पास होने चाहिए, प्लस आप लोग के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग 10th प्लस आप लोग के पास 2 ईयर का ITI होना चाहिए। जी हाँ, तभी आप लोग मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जितनी भी अदर पोस्ट है, चाहे वो बगलर, माली, पाइप बैंड, ब्रास बैंड, वाशर, कुक जो भी है, ठीक है, सभी जो है ओनली और ओनली 10th पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो है उनको अपनी ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए बस। तो ये है आप लोग का एजुकेशन का जो मैंने आपको बताया क्राइटेरिया। अब इसके बाद बारी आती है सैलरी। जी हाँ, सैलरी बहुत से स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई करने से पहले सैलरी जानना चाहते हैं कि सर सैलरी कितनी मिलती है इसमें। तो सैलरी जो इसमें होती है आप लोग की पे स्केल जो होती है वो लेवल 3 की होती है और आप लोग की 21,750 से 50,000 के बीच में आप लोग की जो है सैलरी इसमें बनती है। अब इसके बाद बारी आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ, आपने एजुकेशन के बारे में बता दिया, एज के बारे में बता दिया, सब कुछ फिट है, तो क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आप लोग का होता है सबसे पहले पीईटी पीएचडी। जी हाँ,
आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक दिन। यदि आप लोग ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और यदि आप लोग रिटर्न एग्जाम भी क्लियर कर जाते हैं तो आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और यदि आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो फिर आप लोग का फाइनल मेडिकल होगा। मेडिकल के आप लोग क्लियर कर जाते हैं तो आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। मीन्स फिजिकल है आप लोग का, फिर रिटर्न, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, ज्वाइनिंग, तो ये है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। अब बारी आती है पीटी पीएसटी। जी हाँ, जो पहले सबसे पहले आप लोग का पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, इसमें आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस प्रकार से रहेगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आप लोग का चेक होता है वो होता है आप लोग का हाइट, चेस्ट और वेट, ये तीन चीज जो है आप लोग की नापी जाती है। सबसे पहले मैं आप लोग को हाइट के बारे में जानकारी देता हूँ। यदि आप लोग जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोग की हाइट यहाँ पे रहेगी 170, मींस 170 आप लोग की हाइट होनी चाहिए। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल, एससी और ओबीसी में 157 आप लोग की हाइट होनी चाहिए। और आप लोग की जो चेस्ट होगी, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट यहाँ पे नहीं देखी जाती, तो फीमेल कैंडिडेट चेस्ट के बारे में ना सोचे, ठीक है। अब जो आप लोग की, यदि आप लोग जनरल, एससी और ओबीसी में आते हैं, आप लोग की जो यहाँ पे चेस्ट देखी जाएगी वो 80 फुलाव के बाद आप लोग की 5 यानी कि आप लोग की 85 होनी चाहिए, ठीक है। 80 और 85 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है एसटी कैंडिडेट। यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं तो आप लोग की हाइट देखी जाएगी मेल कैंडिडेट की 162.5 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे 150 तक है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, जी हाँ, 150। इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट है वो यहाँ पे आप लोग की नापी जाएगी 76.5 जो है आप लोग की फुलाव देखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद बारी आती है नॉर्थ ईस्ट एरिया। जी हाँ, यदि आप लोग हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर वगैरह से, और इनके कुछ सब डिवीजन वगैरह हैं, उनसे यदि आप लोग आते हैं तो मेल कैंडिडेट हैं आप लोग, तो आप लोग की हाइट यहाँ पे जो काउंट की जाएगी 162.5 की जाएगी, और फीमेल कैंडिडेट की 152.5 हाइट काउंट की जाएगी। मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट देखी जाएगी वो आप लोग की 77 यहाँ पे होनी चाहिए, और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है आप लोग यदि आते हैं एरिया से, हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर से, और यदि आप लोग हैं गोरखा, मराठा, ठीक है, इनमें अभी और भी कुछ कास्ट वगैरह आती हैं, तो इनसे यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग की जो यहाँ पे हाइट मेल कैंडिडेट की 165 देखी जाती है, 165, और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट देखी जाती है वो 155 यानी कि 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का वो 78 होना चाहिए, और यहाँ पे आप लोग का 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाएगा। पीएसटी के बाद आप लोग की बारी आती है पीईटी की। जी हाँ, पीटी जिसमें आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आप लोग की यहाँ पे रेस देखी जाएगी, आप लोगों से यहाँ पे रेस करवाई जाएगी। तो रेस के लिए यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर, फिटर, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, माली के लिए यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे मेल कैंडिडेट की जो रेस होगी वो 5 किलोमीटर की 24 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करनी है। इसके अलावा यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग की 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट का आप लोग को यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा जो अदर ट्रेड्स के लोग हैं, जी हाँ, इनके इन ट्रेडों के अलावा जो अदर अलग ट्रेड्स के लोग हैं, इनकी जो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल को जो है 10 मिनट में यहाँ पे आप लोग की रेस कंप्लीट करनी है, फीमेल को जो है यहाँ पे 12 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो ये आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है। अब इसके बाद बारी आती है रिटर्न एग्जाम की। जी हाँ, पीटी पीएसटी साथ में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पूरे होने चाहिए। ये क्वालिफाई करने के बाद आप लोग को जो है रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटर्न एग्जाम जो होगा वो आप लोग का 100 नंबर का होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 पार्ट में आप लोग का जो रिटर्न होने वाला है, फर्स्ट पार्ट में जो आप लोगों का 40 नंबर का, सेकंड पार्ट आप लोग का 60 नंबर का होगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आप लोग का जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी इंग्लिश एक सब्जेक्ट आप लोग की आएगी, जो कि 40 नंबर की होने वाली है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपका ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड होगा। जी हाँ, जिस ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, ठीक है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आप लोग को टाइम मिलने वाला है। फाइनल सिलेक्शन आप लोग का रिटर्न के बेस पे ही होगा, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन और रिटर्न एग्जाम, तो फिर आप लोग को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट, जी हाँ, ट्रेड टेस्ट में भी आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, आप लोग को ओरल भी पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा।
तो ये टोटल जो है आप लोग का 50 नंबर का होगा। 50 में से आप लोग को 20 नंबर जो यहाँ पे लाने ही होंगे तभी आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स आप लोग के आगे नहीं जोड़ जाएंगे। आप लोग का जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही होने वाला है। तो यदि आप लोग ग्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप लोग की मेरिट के अनुसार आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल बहुत ज्यादा हार्ड फास्ट नहीं होता, मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद आप लोग को जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट जो लगती है वो आपकी किस प्रकार से लगती है, जी हाँ ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो जो मेरिट आप लोग की लगती है, जो सिलेक्शन होता है, वो आप लोग को स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज लगती है। यानी कि आप लोग के स्टेट में जो आप लोग का ट्रेड है और जिस कैटेगरी की जितनी सीटें है लोगों ने अप्लाई करी, इसके अनुसार ही आप लोग की फाइनल मेरिट लगती है। फाइनल मेरिट के अनुसार आप लोग का फिर सिलेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल की, किस प्रकार से आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पीटी पीएचडी रिटर्न। फिर भी कुछ जानकारी लेनी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ए टू जेड पूरी जानकारी देता रहूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, तो चैनल को एक बार जरूर लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन भी दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूं और आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।